देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा दिए गए स्पीच पर अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए दुर्ग शहर के भाजपाइयों ने कांग्रेस भवन का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मौजूद पुलिस ने भीड़ को रोका। लोकसभा चुनाव के चलते अब राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गया है। इसके चलते सभी पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाती नजर आ रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा किए गए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में स्पीच व्यक्त की, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों और नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। भाजपाई जिला भाजपा कार्यालय से विरोध स्वरूप प्रदर्शन करते हुए सभी भाजपाइयों ने कांग्रेस भवन का घेराव किया। इस दौरान उन्होंने जमकर नारेबाजी की और गेट पर चढ़ने की कोशिश भी की, जिसे वहां उपस्थित पुलिस बल ने नाकाम कर दिया। बता दें, देश के प्रधानमंत्री के संबंध में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत द्वारा हेट स्पीच किए जाने के विरोध में गुरुवार को शनिचरी बाजार स्थित जिला कांग्रेस कार्यालय के समक्ष जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया, जिसमें विधायकों सहित समस्त भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित हुए। इस संबंध में शामिल लोगों ने प्रतिक्रिया दी। लगातार कांग्रेस के नेता 2002 से मोदी जी पे लांछन लगाते हुए आ रहे हैं। कभी मौत का सौदागर बोलते हैं, कभी चाय वाला बोलते हैं, कभी कांग्रेस पाकिस्तान जाकर के पाकिस्तान को बोलते हैं कि मोदी जी को हटाने के लिए आप सहयोग करिए, कभी चौकीदार चोर बोलते हैं, कभी बोलते हैं सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस प्रकार मन गढ़ंत। लेकिन अब हद कर दी। चार बार का सांसद जो व्यक्ति रहा हूं, केंद्रीय मंत्री रहा हूं, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहा हूं, छत्तीसगढ़ विधानसभा का अध्यक्ष रहा हूं, और अभी नेता प्रतिपक्ष है, वो मोदी जी का सर डंडे से फोड़ने की बात करता है। शर्म आ रही है उसकी बात पर। उसकी जो पत्नी है वो वर्तमान सांसद है और प्रत्याशी है कोरबा से। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के नेता बौखला गए अपनी हार को देख करके। और जो सत्ता से बाहर किया है, छत्तीसगढ़ की जनता ने बीजेपी को उनको वापस सत्ता सौंपी है, उससे वो बौखला गए हैं। इसलिए अनाप शनाप बोलना है, लेकिन उनको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 140 करोड़ की जनता में शामिल है, और मोदी जी के पास तो वो बाद में पहुंच पाएंगे, पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पकड़ना पड़ेगा, उनके सर फोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि हर कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार है। ये प्रदर्शन भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया कांग्रेस के खिलाफ, और इसमें पीसफुल प्रदर्शन था, और इसमें करने के बाद वो शांतिपूर्वक समाप्त किया गया। पुलिस ने इसमें व्यवस्था बनाए रखी और इसमें कोई भी किसी तरह की अप्रिय घटना नहीं हुई। सर कितने बल लगे थे इसमें? लगभग 15 बल लगे। एसीएन न्यूज के दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।